संभल में किसानों का जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। संभल भारत सरकार द्वारा जहां किसानों को राहत देने की बात की जा रही है, तो वहीं किसानों ने बीते समय पर दिए गए ज्ञापन की सुनवाई न होने पर आज संभल जिला कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी किया है। जनपद संभल में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा 21 जनवरी को दिए गए जिलाधिकारी को ज्ञापन पर सुनवाई न होने के कारण आज बहजोई मंडी से शांति रूप से रोड शो करते हुए कलेक्टर सभागार पहुंचे, जहां पर ज्ञापन में दी गई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि विद्युत उपभोक्ता पर खपत से ज्यादा बिल आना, रजपुरा शुगर मिल पर किसानों का गन्ने को न खरीदना और गन्ना माफिया द्वारा गन्ना को खरीदना एवं चकबंदी को लेकर के विवादित मामले का निपटारा समय पर न करना, साथ ही आवारा पशुओं के द्वारा खेती तबाह होने पर रोक न लगाने के लिए मुख्य मांगों को दर्शाया गया था, जिस पर आज किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए जारी कर दिया गया है। और प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव का कहना है कि यदि हमारे ज्ञापन पर दिए गए मांगों पर सुनवाई नहीं की जाती है तो क्रमबद्ध लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और आर पार की लड़ाई के लिए हम सदैव तैयार हैं। विजेंद्र सिंह यादव, जो आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है कि हमने जनपद की, संबल जनपद की विभिन्न समस्याओं को लेकर 21 जनवरी को जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था। हमने कहा साहब ये समस्याएं हमारे किसानों की, उन्हें समाधान कराइए, लेकिन यहाँ का प्रशासन, यहाँ के DM साहब और सब लोग में इतनी हठधर्मता है, एक बार भी उन्होंने हमारे किसानों से, हमारे प्रतिनिधिमंडल से ये नहीं सोचा कि हम उनसे बात करें, तो कोई वार्ता नहीं की। तो आज हम उन्हीं समस्याओं के संबंध में, जम्बर एक तो है आवारा पशुओं से निजात, आवारा पशुओं ने हमारे किसानों का जीना हराम कर दिया है। दूसरी जो है कि वैध पट्टेदार हैं हमारे, कुछ अधिकारी इतनी मनमानी है कि वैध पट्टेदारों को उनके पट्टों पर कब्जा नहीं करा रहे। जैसे एक किन्नौर तहसीलदार है, उसने इतना लंबा घोटाला कर रखा है और वो जानबाज DM से 20 बार कहने के बाद जो पट्टेदार वैध हैं उनका कब्जा नहीं करा रहे। दूसरी जो है स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल कहीं खाना नहीं बन रहा, खाने के नाम पर, आशाओं के नाम पर इतनी लूट है खुली, वो भी था उसमें। शिक्षा का था, शिक्षा की कहीं पढ़ाई नहीं हो रही, BSA मस्त है सब, मिड डे मील पर सब लूट हो रही है हर जगह, और चकबंदी में धांधली। और दूसरी सबसे बड़ी एक और है, रजपुरा है, असमोली मिल है, ये मिलों ने क्या अपनाया है कि अपना क्षेत्र का गन्ना नहीं खरीदी बिल्कुल। आज हमारे लोग बैठे, उनका 16 महीने गन्ना हो गया, मानसूनी गन्ना, बाहर से गन्ना ला रही है, क्या करें, कहाँ जाएं वो? भादों का 16 महीने गन्ना हो गया, कहाँ जाएं वो? तो ये मांग है हमारी भाई, उनका क्षेत्रीय गन्ना खरीदा जाए। और जो बिजली के मीटर जो है, तमाम मीटर ठोंक दिए, घर जगह जितने का आदमी का, किसान का मकान उतने का बिल आ रहा है, और बिजली विभाग खुली लूट कर रहा है, जर्जर लाने हैं। तो इन सब मांगों को लेकर हम लोग बैठे हैं, और जब तक हमारी मांगों की समस्या का समाधान नहीं होता तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, और उसके बाद अगली क्रम में और हम कोई बड़ा रूप में आंदोलन करेंगे। अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, अनिश्चितकालीन।